थायराइड एक बहुत ही आम मगर ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे एक बार इंसान ग्रसित हो जाए तो पीछे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, और साथ ही ये थायराइड आपकी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग को बिगाड़ कर रख देता है। थायराइड के ऐसे कई लक्षण होते हैं जो साफ तौर पर दिखाई देते हैं मगर आप वक्त रहते इन्हें समझ नहीं पाते। वही समय रहते आपको इन लक्षणों के बारे में अगर पता चल जाए तो आप इसे रोक भी सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको थायराइड से जुड़ी कई ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपको लगेगा क्या सच में थायराइड होने से पहले आपको ये लक्षण होते हैं जो कि बहुत आम है। क्या होता है थायराइड, कैसे आप इससे ग्रसित होते हैं और कैसे कुछ घरेलू उपाय से आप इससे निजात पा सकते हैं। थायराइड तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जो कि गर्दन के विंडपाइप में बिल्कुल सामने की ओर होती है। आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने वाली यही ग्रंथि होती है। जैसे कि हम जब खाना खाते हैं तो उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम यही ग्रंथि करती है। इसके साथ ही यह आपकी मांसपेशियों, हड्डियों, हृदय व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करता है। थायराइड का काम हॉर्मोन्स को सिक्रेट करना है जो हमारी बॉडी फंक्शन को बदलता है और मैनेज करता है। थायराइड के दो प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं, पहला थायरोक्सिन जिसे T4 कहा जाता है और दूसरा ट्रायोडोथायरोनिन जिसे T3 कहा जाता है। जब इन हॉर्मोन्स के लेवल में अचानक से उतार चढ़ाव होता है तो कई लक्षण दिखाई देते हैं जो ज्यादातर महिलाओं में दिखाई देते हैं। जब शरीर में ये हॉर्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं तो वजन कम या ज्यादा होने लगता है जिसे थायराइड की समस्या कहा जाता है। वहीं थायराइड के लक्षण कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते जिसके कारण इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि आपको थायराइड है? थायराइड का शुरुआती लक्षण होता है जब आपकी गर्दन के आसपास की स्किन काली पड़ने लगती है। रिसर्च में देखा गया है कि गर्दन के चारों ओर की स्किन में पड़ने वाली सिलवटों में कालापन होने लगता है। इसके अलावा थायराइड अंग, त्वचा और बालों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। T3 और T4 का लेवल इम्बैलेंस होने से त्वचा, स्कैल्प में खुजली, ऑयली स्किन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। इसके साथ ही थायराइड के लक्षणों में सबसे आम होता है वजन का घटना या फिर बढ़ना। इसके अलावा अनिद्रा की समस्या, ज्यादा प्यास लगना, अधिक पसीना आना, हाथ कांपना, दिल तेजी से धड़कना, कमजोरी और चिंता शामिल है। वहीं महिलाओं में देखा गया है कि थायराइड की बीमारी में इन्हें थकान, सुस्ती, कब्ज, त्वचा में रूखापन और साथ ही इरेगुलर पीरियड्स की समस्या भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर आपको भूलने की बीमारी है, आपकी याददाश्त कमजोर है और मांसपेशियों में जोड़ों में दर्द रहता है तो भी लक्षण होते हैं थायराइड के। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप थायराइड की चपेट में आते हैं और अगर आप अपनी जीवन शैली में इन चीजों में बदलाव ले आए तो आप थायराइड से बच सकते हैं। थायराइड फंक्शन बिगड़ने के सबसे बड़े कारणों में है तनाव। जो लोग थायराइड से पीड़ित हैं उन्होंने अमूमन देखा होगा कि जैसे ही उनके जीवन में तनाव बढ़ा होगा वैसे ही उन्हें थायराइड की समस्या शुरू हो गई होगी। अगर आप थायराइड से बचना चाहते हैं तो अपने जीवन में तनाव कम करने की कोशिश करें। इसके बाद थायराइड होने का कारण होता है आयोडीन की मात्रा ज्यादा या फिर कम होना। दरअसल हॉर्मोन्स के उत्पादन के लिए आयोडीन जरूरी होता है, लेकिन यदि आयोडीन की मात्रा ज्यादा या फिर कम हो जाती है तो थायराइड रोग पैदा हो जाता है। वहीं धूम्रपान भी थायराइड होने का मुख्य कारण होता है। किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान ठीक नहीं है, लेकिन जिन लोगों को जेनेटिकली थायराइड की समस्या होती है उनके लिए तो ये घातक है। ऐसा अमूमन देखा गया है कि ऑटो इम्यून थायराइड विकारों वाले लोगों पर धूम्रपान का अधिक प्रभाव होता है। अब कैसे थायराइड को जड़ से खत्म कर सकते हैं, यानी कि अब बात कर लेते हैं इसके उपायों के बारे में। जिन भी उपायों की हम आज बात करने वाले हैं उनमें वो सभी चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं जो आपके घर में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। पहला उपाय है घर के आंगन में मौजूद तुलसी से। रोजाना अगर आप तुलसी के एक पत्ते का भी सेवन करते हैं तो भी थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है। तुलसी की पत्तियों में अनेक पोषक तत्व होते हैं। इसकी पत्तियाँ एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसी कई सारे तत्वों से भरपूर होती है जो थायराइड को नियंत्रित रखने में मदद करती है। थायराइड के मरीजों को रोज सुबह खाली पेट 2 से 4 तुलसी की पत्तियों को चबा चबा कर खाना चाहिए। ये थायराइड को बढ़ने या कम करने से रोकने में मदद करती है। इसके साथ ही आप तुलसी की पत्तियों का सेवन शहद के साथ भी कर सकते हैं। इन दोनों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो थायराइड की बढ़ती समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। इसके बाद दूसरा उपाय है धनिया का जूस। धनिया का जूस बनाने के लिए धनिया की ताजी पत्तियां लीजिए। पत्तियों को अच्छे से धोकर तोड़ लें और फिर इन पत्तियों को मिक्सी में डालकर थोड़ा पानी, चुटकी भर नमक और चुटकी भर मिर्च और फिर अच्छे से ग्राइंड कर लें। जैसे ही ये मिश्रण अच्छे से ग्राइंड हो जाए इसे एक ग्लास में निकाल लें और इसमें ऊपर से नींबू निचोड़ लें। इस जूस का रोज सुबह खाली पेट सेवन करने से आपको 2 से 3 हफ्तों में ही इसके लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे।
अगला उपाय है घर पर आसानी से मिलने वाले अदरक का। अदरक में कई गुण मौजूद होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो कि थायराइड की समस्या को दूर करने में काफी मदद करते हैं। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण थायराइड को बढ़ने से रोकता है और उसकी कार्य प्रणाली को सुधार में लाता है। आप अपनी डाइट में अदरक को किसी भी तरह से ले सकते हैं, चाहे आप चाय में लीजिए, चाहे सब्जी में लीजिए, चाहे दाल में लीजिए। इसके साथ ही थायराइड की समस्या से जूझ रहे लोगों को दही और दूध का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। दूध और दही में मौजूद कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन थायराइड से ग्रसित लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार साबित होता है। थायराइड के मरीजों को थकान बड़ी जल्दी लगने लगती है और वे जल्द ही थकने लगते हैं। ऐसे में मुलेठी का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। मुलेठी में मौजूद तत्व थायराइड ग्रंथि को संतुलित रखते हैं और थकान को ऊर्जा में बदलते हैं। मुलेठी थायराइड में कैंसर को बढ़ने से भी रोकता है। इसे आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही थायराइड ग्रंथि को बढ़ने से रोकने के लिए गेहूं और ज्वार काफी मददगार साबित होता है। गेहूं और ज्वार आयुर्वेद में थायराइड की समस्या को दूर करने का बेहतर और सरल प्राकृतिक उपाय है। इसके अलावा ये साइनस, उच्च रक्तचाप और खून की कमी जैसी समस्याओं को रोकने में भी काफी कारगर साबित है। आप जौ, गेहूं और साबुत अनाज से बनी चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन कर सकते हैं, जिससे यकीनन आपको थायराइड की समस्या से निजात मिलेगी। साबुत अनाज में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन आदि होते हैं, जो कि थायराइड को कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं। आप इन उपायों को जरूर अपनाइएगा और उसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनसे कितना फायदा मिला। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अब अपनी अगली वीडियो में, जिसमें लेकर आएंगे आपके लिए सेहत से जुड़ी कुछ और टिप्स।